भाई साहब, ये जो आप सामने मोह माया देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये नई दिल्ली की एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे पहले ये जान लो यहाँ पे किसी को जाना नहीं, क्योंकि होता है क्या ना भाई साहब, कोई ये बोलते हैं भाई चलो अंदर देख आते हैं, देखने में क्या जा रहा है, बस यही सब जो आप देख रहे हैं ना, यही सब यहाँ पे देखने के चक्कर बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ वहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले तो एक बात ये जान लो, जैसे अभी ऊपर यहाँ पे आए सीढ़ियों के, अब जैसे ये ताऊ जी बैठे हैं यहाँ पे, बस एक बोतल ले ली इन्होंने वैसे ही पूरा, अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे कम से कम 10 मिनट रुकने वाला हूँ, आप देखते जाइएगा ताऊ जी क्या क्या यहाँ पे करते हैं। ये देख रहे खुलेआम, मतलब यहाँ पे एक प्रकार ये देख लेना जितने भी नशेड़ी भंगेड़ी सारे होते हैं ना, सारे आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे वहाँ पे, और एक से बढ़ के एक लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब ये मान लो पूरा दिन ऐसे ही यार यहाँ पे चलता रहता है, या ताऊ जी देखो कैसे इशारे वहाँ पे कर रहे हैं, और बस यही सारे इशारे यहाँ पे ताऊ जी के चला करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक ताऊ जी नहीं इस तरह देखेंगे ना कई सारे वहाँ पे आपको दिख जाएंगे वहाँ पे, और एक से बढ़ के एक यहाँ पे आएंगे। अभी देखना लास्ट तक ताऊ जी किधर जाते हैं ये देखते रहिएगा, लास्ट तक कहीं ना कहीं ये निकल जाएंगे। तो भाई सबसे पहले एक बात सभी को ये ध्यान रखनी है कि इस जगह पे जाना नहीं, अगर मान लो कोई कई लोग क्या होते हैं ना कई तरह की वीडियो देख लेते हैं और फिर क्या करते हैं ऐसी जगहों पे जाने के वहाँ पे ट्राई करते हैं, तो भाई किसी की वीडियो देख के मैं खुद बता रहा हूँ यहाँ पे मत जाना। अगर कभी आप गलती से इस जगह जाते हैं तो इस जगह के बाहर देखेंगे ना रोड साइड, तो रोड साइड सबसे पहले आपको इतने सारे वहाँ पे दलाल नज़र आ जाएंगे, तो क्योंकि क्यों अगर कोई नया बंदा जाता है ना सबसे पहले वो दलाल ही उसे पकड़ लेंगे भाई, अगर दलालों के चक्कर में वहाँ पे आ गए भाई तो ये मान चलना कि आपका मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, सारा कुछ निकल गया, कुछ भी आपके पास वहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले उन दलालों से आपको वहाँ पे सावधान रहना है, और उसके बाद अगर कोई मान लो ये सोचता भाई हम केवल जा रहे हैं देखने के लिए जा रहे हैं, तो भाई मेरी बात मानना, आप अकेले देखने के लिए भी वहाँ पे ना जाना। अगर मान लो कभी वहाँ पे कोई अगर जाता है, पहली बात अकेले ना जाना, क्योंकि होता गया ना कई लोग सोचते भाई हम अकेले जाएंगे किसी को बता दे वो वहाँ बता देगा, तो भाई उससे अच्छा जाओ ही ना। अगर पहली बात वहाँ पे अकेले गए तो जो यहाँ के बाहर रोड पे देखो दलाल रहेंगे वही आपको पकड़ लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे, जो तुम अपने साथ लेके आओगे मतलब जो तुम्हारे पास पैसे होंगे या मोबाइल फ़ोन होगा ये बैग होगा सारा कुछ भाई छीन लेंगे वहाँ। भाई मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, आप कभी भी जाना वहाँ पे रोड पे अगर आप देखेंगे ना जो दुकानें वहाँ पे लगी रहती हैं, तो दुकान वालों से भी पूछ लेना भाई कि यहाँ पे क्या दिक्कतें होती हैं, वो सारा कुछ वहाँ पे ही बता देंगे। लेकिन आप जैसे ही जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है जैसे ही वहाँ से आप 100-200 मीटर आगे भी निकलेंगे ना, यहाँ के दलाल खुद ही आपके पीछे वहाँ पे लग जाते हैं, और भाई वो सीधा सीधा बोलेंगे भाई हम आपको ले चल रहे हैं। मैंने कई सारे वीडियो और डाल रखे हैं चैनल में, वो भी देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं जो यहाँ के दलाल होते हैं ना मैंने उनसे बात भी की थी, और पूरा मैंने वहाँ पे दिखाया वो कैसे आपसे बातें करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर कोई ऐसा दिखाई पड़ता है कोई हमसे ऐसे बातें करता है तो आप समझ जाने कि दलाल ही है। अगर पहले वो तो ऐसी बातें करेंगे ना, आप जहाँ बता देंगे भाई हम वहाँ के रहने वाले हैं, तो वो सीधा सीधा आपसे बोल देगा भाई हम भी वहीं के, तो साथ चलते हैं, हम भी नए तुम भी नए हो साथ चलेंगे, नहीं सही लगे घूम के चले आएंगे। मैंने कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, एक बार आप वो सारे भी वीडियो देख लीजिएगा। और जैसे कि ताऊ जी देख रहे हो काफ़ी देर से इशारे पिशारे चल रहे हैं, लग रहा है कि काम बन नहीं रहा है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर देखते रहना ताऊ जी तो कहीं ना कहीं से जाएंगे यहाँ पे। और वैसे अगर ये देखा जाए ना तो ये मान चलना सुबह जैसे 8 या 9 बजे होते हैं ना, तो यहाँ पे ये लोग नज़र आ जाते हैं। और वैसे जो यहाँ पे नीचे गली गई हुई यहाँ पे देखेंगे ना बहुत सारे आपको ऐसे वहाँ पे टहलते हुए भी नज़र आ जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो भाई मैं तो वही कहूँगा आप जिस काम से वहाँ कभी दिल्ली जाते हैं तो अपना काम करके सीधे घर आ जाइए, यहाँ पे मत जाइए। कई बार मैंने देखा है कोई कहता है भाई वहाँ होता है ये होता है वो होता है, और इन्हीं सब बातों के चक्कर में चले जाते हैं वहाँ पर, और जब वहाँ पर जाते हैं वो तो किसी न किसी की बातों में आते हैं, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कतें भी वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। भाई अब लग रहा है ताऊ जी का काम होने वाला है, ताऊ जी की सारा चालू हो गए हैं, और ताऊ जी का लग रहा सिस्टम बनने वाला है, काफ़ी देर से वहाँ इशारे कर रहे हैं शायद अब काम हमारा बन जाए, अब काम बन जाए, लग रहा है कुछ काम हो रहा है ताऊ जी का। और देखेंगे तो भाई ताऊ जी मान लो बोतल भी खोल रखी वहाँ पर, भाई मेरी बोतल तो खुल गई है, देखो क्या होता है वहाँ पर। और यहाँ पे देखें ना भीड़ भाड़ आप देख ही रहे हो, खुद ही देख रहे हो कितनी यहाँ पे होती है, और ये भीड़ भाड़ तो फिलहाल पूरा दिन आती जाती रहती है। लेकिन जो एक बात जानने वाली है कि आप लोगों को ऐसी जगहों को वहाँ पे इग्नोर करना है, अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा हो जो यहाँ पे मान लो गया हो उसको कोई दिक्कत हुई हो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि कोई ऐसा भाई अगर यहाँ पर जाना भी चाह रहा हो तो वो कमेंट देख के ऐसी जगहों पर जाने से बच सके और वहाँ पर मत जाएँ,
वो किसी को जाने भी ना दे, कोई आपसे बोलता भाई चलना है क्या, तो सबसे पहले आप खुद हैं और दूसरे को भी वहाँ पे जाने से जितना हो सके उतना मना करें। और ख़ास तौर पर एक बात, जैसे कि मान लो कोई बंदा यहाँ पे गया हो, अगर किसी के साथ कोई दिक्कत यहाँ पे हुई हो, तो भाई वो बंदा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताए कि क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें आती हैं। और आपको अगर ऐसा लगता है कोई ऐसा जगह और है जहाँ पे ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं खुद वहाँ की वीडियो बना के बताऊँगा वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सारा मैं वहाँ पे एक्सप्लेन आपका करने वाला हूँ। और दोस्तों उसके पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के जो आपकी ये वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन भी आप तक वहाँ पर पहुँच सके। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, और जितना हो सके ये वीडियो शेयर करिए, ताकि ये वीडियो किसी के पास अगर वहाँ पे पहुँची है तो वो इन जगहों पे जाने से वहाँ पे बच सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर एक बात ये जरूर बताइएगा सभी लोग, यहाँ पे क्या ऐसी दिक्कतें रियल में आती हैं कि नहीं आती, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितना पता किया सभी के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या दिक्कत आती है कि नहीं आती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।